तो कैसे हो आप सभी, उम्मीद अच्छे होंगे। दोस्तों बने रहिए आज का हमारे इस प्यारे से ब्लॉग में। दोस्तों आज मैं आपको दिखाऊंगा आहूजा मॉनिटर 450 मॉडल जो कि ग्रिल में आता है दोस्तों, आहूजा का पेंट बॉडी में। तो दोस्तों मैं आपको मॉनिटर दिखाऊंगा, उसको ओपन करके दिखा रहा हूँ। उसका हाइस चला गया है दोस्तों, जो कि 80 वाट में होता है। और दोस्तों इसमें 15 इंच का मिडी स्पीकर लगा होता है। सो आगे आप वीडियो देखिए, चलिए दिखाता हूँ वीडियो। और जरूर बताना दोस्तों आप लोगों को कैसा लगा वीडियो, और कमेंट करना ना भूलना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना, इंस्टा आईडी को फॉलो जरूर करना। सो चलिए आगे दिखाता हूँ वीडियो दोस्तों, बने रहना वीडियो पे। ठीक है, इसको ओपन कर लिया है, ग्रिल वगैरह को आप देख सकते हो। इसमें 15 इंची स्पीकर रहता है दोस्तों, जो कि मिडी स्पीकर होता है, और 400 वाट का स्पीकर हो जाता है दोस्तों। और ये हाइस दोस्तों जो कि 80 वाट का है, जो पूरी तरह से जल चुका है इसका कॉइल। सो मैं कॉइल को चेंज करके दिखा रहा हूँ आप लोगों को। हमारे पास एक कॉइल पड़ा है दोस्तों। दोस्तों ये हमारा ग्रिल है जिसको मैंने ओपन करके रखा है। इसमें आहूजा का लोगो लगा होता है, जो कि बहुत अच्छा मॉनिटर दोस्तों स्टेज मॉनिटर के लिए। सो चलिए आगे देखते रहिए वीडियो। ये हमारा एलेंकी है, एलेंकी सेट जो कि एक छोटा सा टूल बॉक्स में आता है दोस्तों। और ये हमारा हाइस है जो कि निकालनी है बाहर। और ये अंदर का भाग देख सकते हो दोस्तों, इसमें एक नेटवर्क किट लगा होता है जो कि बहुत अच्छा है, जो कि आहूजा कंपनी से रिलेटेड है। तो दोस्तों मैं इसको अभी एलेंकी को ओपन कर रहा हूँ, फिर अंदर इसका हम कॉइल को बैठाएंगे। सो आप देख सकते हो इस तरह से मॉनिटर का लुक रहता है दोस्तों अंदर से। अंदर में इसमें फॉर्म वगैरह लगा होता है। जो कॉइल है ना वो 80 वाट का है दोस्तों, जो मेरे पास है वो थोड़ा सा बड़ा है दोस्तों, कॉइल का साइज नहीं लग रहा है। सो इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ दोस्तों आप सभी से। ग्रिल को ओपन किया था दोस्तों, ग्रिल को फिट करके फिक्स कर लिया है। सो दोस्तों बने रहिए हमारा नेक्स्ट वीडियो में, मैं दिखाऊंगा कॉइल जब लग जाएगा तो। जो मेरे पास कॉइल है दोस्तों वो 100 वाट का है, और इसमें 80 वाट का लगता है दोस्तों आहूजा का। चलिए आज के वीडियो बस इतना है, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों आप सभी को।